तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अमेज़ॉन कुछ बड़ा करने वाला है। अमेज़ॉन एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज तथास्तु शर्मा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कनेक्शन बिजनेस। गाइज, जब अमेज़ॉन ने इंडियन मार्केट प्लेस में एज एन इंडियन मार्केट प्लेस इंडिया में एंटर किया था, तब उसका कंपटीशन हुआ करता था फ्लिपकार्ट से और स्नैपडील से। और फ्लिपकार्ट और स्नैपडील ऑलरेडी मार्केट में एस्टेब्लिश्ड मार्केट प्लेस थे, लोगों को काफी ट्रस्ट था इन दोनों वेबसाइट्स के ऊपर, क्योंकि ये दोनों वेबसाइट्स जो है कैश ऑन डिलीवरी के साथ साथ प्रीपेड और अच्छा इनका रीच था और अच्छी कस्टमर सर्विस हुआ करती थी। धीरे धीरे जब इंडियन मार्केट प्लेस और जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज है, जो कुरियर कंपनीज है, उनकी जब रीच बढ़ने लगी, जब वो मल्टीपल पिन कोड्स पे डिलीवरी देने लगे, कैश ऑन डिलीवरी देने लगे, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने लगे, तब उसी टाइम अमेज़ॉन ने भी जो है इंडियन मार्केट प्लेस में एंट्री ली। और अमेज़ॉन ने इतना अग्रेसिवली अपने बिजनेस को और अपने मार्केट को बढ़ाना चाहा कि उन्होंने बहुत सारे वेयर हाउसेज एवरी स्टेट में जो है ओपन करने स्टार्ट कर दिए। और उन्होंने इतने सारे वेयर हाउसेज, आप मानेंगे नहीं, कि गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक, केरल, ऑलमोस्ट एवरी स्टेट में उन्होंने धीरे 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 अपने नॉट ओनली वन बट मल्टीपल वेयर हाउसेज जो है वो लगा दिए। उससे बेनिफिट क्या हुआ कि लोगों को फ्री डिलीवरी और बहुत फास्ट डिलीवरी मिलने लगी। तो उस मार्केट प्लेस के कॉम्पिटिशन में स्नैपडील जो है वो बहुत पीछे रह गया और स्नैपडील की हालत बहुत खराब हो गई। उसके बाद सिर्फ रह गया तो फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट को भी जो है बिनी बंसल और सचिन बंसल जो उनके ओनर थे, उन्होंने उसे वॉलमार्ट को बेच दिया। और अब एक दो अमेरिकन कंपनीज आमने सामने आ गई इंडियन मार्केट प्लेस में। फ्लिपकार्ट की ये चीज़ थी कि फ्लिपकार्ट के ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हुआ करते थे और बहुत अच्छी सर्विसेज देते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादा वेयर हाउसेज होने की वजह से अमेज़ॉन उसको पीछे करता रह गया और वो काफ़ी पीछे रह गया। फ्लिपकार्ट जो है बहुत ज़्यादा पीछे हो गया अमेज़ॉन से। बहुत अच्छा चल रहा था कुछ टाइम तक, अमेज़ॉन ने बहुत अच्छी ग्रोथ भी की और अमेज़ॉन पे प्राइम भी आ गया और बहुत सारे फीचर्स आ गए, वन डे डिलीवरी, टू डे डिलीवरीज, FBAs आ गए, मल्टीपल वेयर हाउसेज पे जो है सेलर्स, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया था वीडियोस में शेयर किया कि आप मल्टीपल वेयर हाउसेज में जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, तो उस हिसाब से बायर्स को भी बहुत फ़ायदा होने लग गया कि एक और दो दिन के अंदर ही जो है उनको प्रोडक्ट्स जो है मिलने लग गए। बहरहाल धीरे धीरे क्या हुआ कि इंडियन मार्केट प्लेस में मीशो भी ऑलरेडी था, लेकिन मीशो का जो बिजनेस करने का जो तरीका था वो बेसिकली अलग तरीका था। उधर रीसेलर्स ज़्यादा हुआ करते थे, वो एक मार्केट प्लेस नहीं था, लेकिन मीशो ने भी अपनी स्ट्रेटेजी बदली। मीशो भी एज अ मार्केट प्लेस मार्केट में उतरा और मीशो ने सबसे बड़ा जो गेम खेला वो खेला 0% कमीशन पे। यानी कि फॉर एग्जांपल जिस पर्टिकुलर कैटेगरी में फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन 15% या 12% ले रहे थे, मीशो उस पर 0% ले रहा था, तो उस वजह से काफ़ी सारे सेलर वहाँ पर डाइवर्ट हो गए। तो मीशो के ऊपर जब डाइवर्ट हुए तो आप खुद सोचिए कि कोई अगर 1000 रुपये की चीज़ पे 150 रुपये कम करके कमीशन 750 में, जो चीज़ 750 में है मीशो पे मिल रही है या 150 में मीशो पे मिल रही है और वही चीज़ 250 में या 225 में अमेज़ॉन पे मिल रही है, तो मीशो से ही बायर लेना पसंद करेगा सेम प्रोडक्ट। तो ऐसे कंपटीशन में, ऐसे कॉम्पिटिटिव मार्केट में फ्लिपकार्ट ने क्या किया, फ्लिपकार्ट ने भी अपना कमीशन रेट जो है काफ़ी सारे वर्टिकल्स के लिए 0% कर दिया। अब मजबूरी में आके अमेज़ॉन को भी ये करना पड़ा। और एक वीडियो मैंने बनाया था रीजनल डिस्कवरी, रीजनल विजिबिलिटी प्रोग्राम से, जिसमें अमेज़ॉन ने क्या किया है कि अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो रीजनल विजिबिलिटी पे डाल दिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका प्रोडक्ट्स महाराष्ट्र में पड़ा है तो महाराष्ट्र के आसपास वाले पिन कोड्स पे वन डे टू डिलीवरी बताएगा और वहीं पर वो फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे वही प्रोडक्ट्स आपको दिखाई देंगे जो वहाँ के वेयर हाउस पे पड़े हैं। ठीक है, दिल्ली के जो है वेयर हाउस पे जो प्रोडक्ट पड़े हैं वो दिल्ली वालों को दिखाएंगे। इस वजह से अमेज़ॉन की एल्गोरिदम जो है ना बड़ी मैसी हो गई और अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स जो है, जो FBA में प्रोडक्ट पड़े हैं वो थर्ड पेज पे आ रहे हैं और जो इजी शिप से सेल हो रहे हैं वो फर्स्ट पेज पे आ रहे हैं, तो वो खूब मैसी हो गया। उन्होंने अपनी एल्गोरिदम को इतना ट्विक किया कि वो सब गड़बड़ हो गया उनका, जहां तक ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं जो बता रहा हूँ, बाकी अंदर की बात वो जाने। फिर उसके बाद धीरे धीरे एक चीज़ उनको रियलाइज होने लगी कि नहीं, हमें कुछ करना पड़ेगा। अब वो क्या कर रहे हैं, अपने काफ़ी सारे वेयर हाउसेज जो है ना उन्हें शट डाउन कर रहे हैं, उन्हें बंद कर रहे हैं। अब धीरे धीरे उनकी वेयर हाउस की जो नंबर ऑफ वेयर हाउस है उनको एक जैसे स्टेट के अंदर है तो वो एक या दो ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे और वहीं से सारा ऑपरेट करेंगे, तो फास्ट डिलीवरी तो रहेगी रहेगी। अब इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है कि जब उन्होंने 2% कमीशन किया अमेज़ॉन ने, फ्लिपकार्ट और मीशो तो अपना 0% चला ही रहे, जब अमेज़ॉन ने 2% किया ना, तो उससे उनका जो बिजनेस ग्रोथ है वो थोड़ा रुक गया।
और उनका मार्केट भी जो है वो थोड़ा सा डगमगा गया, और उनकी जो सेल्स है, जो नंबर ऑफ यूनिट्स पर डे वो सेल किया करते थे, वो भी थोड़ी कम हो गई है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है गाइस कि अब 1 अप्रैल 2022 तक Amazon ने हमको मेल करके कह दिया है कि 1 अप्रैल 2022 तक रेफरल फी जो है वो कमीशन वाली जो डिस्काउंटेड है वो रहेगी, और 1 अप्रैल के बाद हम नया चार्ट लाएंगे, कुछ नया लाने वाले हैं। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि Amazon कुछ बड़ा करने वाला है। Amazon एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि Amazon एक प्रोग्रेसिव और एक बहुत ही कहते हैं ना, एक सेलर की प्रोग्रेस अगर कहीं हो सकती है तो वो Amazon पे हो सकती है, पर वो डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट पे। ओके, ऐसा नहीं है सभी उसी पे प्रोग्रेस कर रहे हैं। मैं पर्सनली ऐसे सेलर्स को जानता हूँ जिनका डेली का 100 ऑर्डर Flipkart पे आता है और 10 ऑर्डर Amazon पे आता है सेम प्रोडक्ट का। तो ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट कि Amazon पे अच्छा है या Flipkart पे अच्छा है। Flipkart भी बहुत अच्छा है, Meesho भी बहुत अच्छा है, अपना अपना सबका मार्केट होता है और सबके कस्टमर्स होते हैं। तो 1 अप्रैल 2022 जो है ये आप नोट कर लीजिए, जो भी Amazon के सेलर्स हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि उसके बाद जो Amazon कुछ बड़ा करने वाला है। तो ये वीडियो इससे रिलेटेड ही थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।